दोस्तों, अगर आप एक क्रेडिट कार्ड के यूजर हैं और नॉर्मली अपने क्रेडिट कार्ड से फ्यूल की परचेजिंग करते हैं, या फिर अगर आप एक क्रेडिट कार्ड के न्यू यूजर हैं और अपने क्रेडिट कार्ड से फ्यूल को परचेज करने के लिए सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड पे जो आपको मिलता है 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर, उसके ऊपर भी कुछ हिडन चार्जेस लगते हैं, जिनके बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। और दोस्तों, आपको इस वीडियो को स्किप करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, वीडियो यहीं से स्टार्ट होने वाला है, तो आइए चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, नॉर्मली हर क्रेडिट कार्ड पे आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर देखने को मिल जाता है, जो कि करीब 300 से लेके 400 या फिर किसी किसी क्रेडिट कार्ड में 1000 रुपए तक का होता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है, इस 1% के फ्यूल सरचार्ज वेवर पे ही आपसे 18% GST चार्ज किया जाता है। दोस्तों, यही हिडन चार्जेस होते हैं इस 1% के फ्यूल सरचार्ज वेवर में। दोस्तों, आइए मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझा दे रहा हूँ, आपको और ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा। दोस्तों, मान लीजिए कि आप अपने क्रेडिट कार्ड से फ्यूल परचेज करने के लिए गए पेट्रोल पंप पे और आपने लिया 3000 का फ्यूल। तो दोस्तों, वहाँ पे आपको 3000 पे 1% का सरचार्ज देना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा 3030 रुपये। लेकिन दोस्तों, नॉर्मली हर क्रेडिट कार्ड पे 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर देखने को मिलता है, तो दोस्तों वहाँ पे फिर से आपकी जो फ्यूल की प्राइस हो जाएगी वो फिर से 3000 हो जाएगी। यानी कि दोस्तों, आपको जो 1% का सरचार्ज लगा था वो वहाँ पे वेव ऑफ होकर आपकी फ्यूल की प्राइस फिर से 3000 हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, आपको यहाँ पे जो 1% का सरचार्ज लगा है 30 रुपये का, दोस्तों इसी पे आपसे 18% GST चार्ज किया जाता है। और दोस्तों, ये GST जो होता है ये नॉन रिफंडेबल होता है, यानी कि दोस्तों आपको इस 30 रुपये पे GST पे करना पड़ेगा। और दोस्तों, GST कितना पे करना पड़ेगा, वो आपको पे करने पड़ेगा 18%। तो यानी कि दोस्तों, अगर मैं 30 रुपये का आपको 18% निकाल के बताऊँ, तो ये करीब करीब 5 रुपये 40 पैसे आएगा। तो दोस्तों, अगर मैं आपको पूरा फाइनल कंक्लूजन बताऊँ, तो आप अगर 3000 का फ्यूल परचेज करेंगे तो वहाँ पे आपको 3005 रुपये 40 पैसे आपके कार्ड से डिडक्ट होंगे, क्योंकि दोस्तों आपका जो 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर है उस पे आपको GST देना ही पड़ेगा, ये GST वेव ऑफ नहीं होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको मैं समझा पाया क्रेडिट कार्ड से फ्यूल परचेजिंग करने पे लगने वाले हिडन चार्जेस के बारे में। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो में कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया हो तो आप बेहिचक मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं एक अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।